हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रसोई एक्सप्रेस। आज हम बनाने जा रहे हैं चटपटी चना चाट की जी रेसिपी। तो फ्रेंड्स, ये जो चना चाट है आप मेहमान आने पर बना सकते हैं। अगर आपका वैसे भी दिल करे आप घर पर बना सकते हैं इसको इजीली। तो रमज़ान के दिनों में ये बहुत ही ज़्यादा घरों में बनाई जाती है। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं चना चाट की जी टेस्टी रेसिपी। तो सबसे पहले हम जो है इमली का पल्प निकालेंगे। मैंने जहाँ पर 2 घंटे पहले इमली को गर्म कोसे पानी में जो है डिप करके रख दिया था, और गर्म पानी में डिप करने से ये पल्प इजीली और जल्दी निकल आता है। तो ये देखिए, इसको अच्छी तरह से आप चमचे से जो हाथ से फिर मसल कर आप इमली का जो पल्प है उसको निकाल लें। तो मैं इसको जहाँ पर चम्मच की सहायता से निकाल रही हूँ। मैंने तकरीबन जहाँ पर 1 कटोरी इमली का पल्प जो है वो लिया था। तो जी चने के अकॉर्डिंग होता है, अगर आपने चने ज़्यादा लेने हैं, चाट ज़्यादा बनानी है, तो थोड़ा ज़्यादा इमली का पल्प जो है वो लग सकता है। जी देखिए, इस तरह से हमने इमली का सारा पल्प निकाल लिया था। और अब हम एक पैन लेंगे। पैन में मैंने जी सारा पल्प जो है वो इसमें डाल दिया था। और अब हम इसमें एक बॉईल आने देंगे। जब इसमें एक बॉईल आ जाएगा तब हम इसमें 4 बड़े चम्मच चीनी के डाल देंगे। सॉरी, मेरे पास ये फुटेज जो है वो स्किप हो गई थी। 4 बड़े चम्मच इसमें शुगर जाएगी, 1 टेबलस्पून इसमें कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर जाएगा, 1 टीस्पून इसमें कुटा भुना जीरा का पाउडर जाएगा, और आधा चम्मच जो है वो जिंजर पाउडर का जाएगा, और आधा चम्मच जो है वो चाट मसाला इसमें डाल देंगे। नमक अपने टेस्ट के अनुसार आप डाल सकते हैं, कम से ज़्यादा। अगर आप मसाले भी कम से ज़्यादा करना चाहें तो अपने टेस्ट के अनुसार वो कर सकते हैं। अब हम इन सभी मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और इसको कम से कम 3 से 4 मिनट ऐसे ही पकने देंगे, ताकि ये जो इमली की चटनी है वो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। और ये देखिए, ये गाढ़ी होने लग गई है, और इसमें बॉयल भी आ रहे हैं, और इसका जो कलर है वो भी काफ़ी चेंज हो गया है। जब इसको पकते पकते 4 से 5 मिनट हो जाएं, तब हम इसका जो गैस है वो बंद कर देंगे। अब हम लेंगे जहाँ पर 2 कप उबले हुए चने। तो मैंने जहाँ पर 2 कप लिए हैं, आपने अगर ज़्यादा जो क्वांटिटी में चाट बनानी है तो आप ज़्यादा ले लीजिएगा। तो जहाँ पर हमने ले लेने हैं उबले हुए चने, इनको मैंने 5 बिसल लगवाई थी और ये अच्छे जो है वो सॉफ्ट हो गए थे। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा उबला हुआ आलू, जिसको कि मैंने चॉप कर लिया था। इस तरह छोटे छोटे पीसेस करके हम आलू के चने में डाल देंगे। और ऊपर से हमने जो वो इमली की चटनी बनाई थी वो डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से। और इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर देना है। अगर आपने इसकी क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा रखनी है, तो मैंने जहाँ पर 2 कटोरी चने लिए थे, आप 4 कटोरी चने ले लीजिएगा। मैंने जहाँ पर 1 आलू लिया था, आप 2 आलू जो है उनको उबाल कर डाल दीजिएगा। और मैंने जहाँ पर 1 कटोरी जो है चटनी के लिए थी, आप 2 कटोरी बना लें। तो इससे आपकी जो चाट की क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो फ्रेंड, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, ताकि जो चटनी का जो रस है वो नीचे तक इसमें चला जाए। तो ये देखिए, ये अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब हम इनको थोड़ा डेकोरेट करेंगे। तो हमने जहाँ पर जो इनकी गार्निश है वो इस तरह से करनी है कि थोड़ा सा हम इस पे हरा धनिया डालेंगे। तो इसमें डाल देंगे हम प्याज। जी मैंने एक प्याज जो था उसको बारीक काट लिया था, और इसको इस तरह से अलग अलग पीसेस में हम इसको डेकोरेट कर देंगे। तो जो बहुत ही खूबसूरत लगती है, देखने में बहुत ही अच्छी लगती है, और खाने में तो बहुत ही चटपटी है ही। और सेंटर में हम इसको एक टमाटर जो है उसको बारीक चॉप करके रख देंगे, और उसके ऊपर हम कोई जिस तरह से मिंट लीव होते हैं
पुदीने के पत्ते इस तरह से इसको डेकोरेट कर देंगे तो बहुत ही टेस्टी बनती है ये चाट। ऊपर से इसके ऊपर हम नींबू भी निचोड़ सकते हैं ताकि जो हमारा ऊपर वाला सैलेड है वो भी टेस्टी हो जाए और वो भी चटपटा लगे। तो इसके ऊपर हम एक आधा नींबू लेकर उसको अच्छी तरह से निचोड़ देंगे तो हमारी चटपटी चाट की रेसिपी जो है वो बहुत ही मज़ेदार है। आप इसको घर पर ट्राई करें, बहुत ही यम्मी बनती है। आपके बच्चे और आपके घर वाले इसकी तारीफ़ करते नहीं हटेंगे। प्लीज़ एक बार ज़रूर बनाकर देखिएगा। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है डेकोरेट, हमने इसको अच्छी तरह से कर दिया है और बहुत ही खूबसूरत लग रही है जी इस गार्निश के साथ। और आप भी इसी तरह से अपने टेबल पर रखें एक सैलेड के रूप में, बहुत ही जमी है, खाने में भी टेस्टी है और लॉकडाउन के दिनों में तो जी बहुत ही जमी लगेगी बिकॉज़ सभी तो कुछ फ्रेंड्स, बंद ये है। था आज का वीडियो। आई होप सो कि आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।